हिमाचल प्रदेश में असहायों के उत्थान व गरीबी उन्मूलन के दावे मुख्यमंत्री के अपने ही गृह जिला में खोखले साबित हो रहे हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कोटाली उपमंडल के खलागू गांव की सरस्वती देवी से। 13 सालों से दो जवान बेटियों के साथ गुर्बत में जीवन काट रही सरस्वती देवी से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई होगा। खलाणू गांव में 47 वर्षीय सरस्वती देवी दो बेटियों के साथ गौशाला में रहने को मजबूर है। स्कूल में मिड डे मील पकाने वाली सरस्वती देवी के कंधों पर जवान बेटियों की जिम्मेदारी है। बड़ी बेटी निवेदिता की उम्र 22 साल है जो एमए कर रही है। दूसरी 19 वर्षीय बेटी सुमन ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। सरस्वती देवी की शादी खलाणू गांव के राजकुमार के साथ हुई थी जबकि मायका पनारसा में है। 17 सालों से पति से अलग रह रही सरस्वती देवी पिछले 13 सालों से इसी गौशाला में रह रही है। पहले पति के पुराने घर में रहती थी जो ढह गया था, इसके बाद से गौशाला को ही आशियाना बना लिया। बेटियों के साथ सरस्वती देवी जिस गौशाला में रह रही है उसकी हालत बदतर है। गौशाला में दरवाजे के नाम पर टीन है, शौचालय नहीं है, न ही नहाने के लिए बाथरूम, एक पर्दे की ओट में नहाने की जगह बनाई है, गौशाला में ही चूल्हा बनाया है, यही तीनों के लिए बिस्तर लगा है। माँ व जवान बेटियां किस तरह जीवन यापन कर रही होंगी ये सोचने भर से ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। सोचिए वो 13 साल से किन किन मुसीबतों से रोजाना 2-4 होती आ रही होंगी। आगे भी न जाने कब तक उन्हें सिस्टम के नियमों का हवाला देकर इसी तरह रहने को मजबूर होना पड़ेगा। परिवार का नाम बीपीएल में शामिल है लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। पंचायत और प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। कुल मिलाकर सरकारी सिस्टम की पेचीदगियों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं।